सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं, अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी हम आए हुए अपने खेत की तरफ। और खेतों में आप देख सकते हैं कितना हरा भरा सा नज़ारा है अभी। और कल बारिश हुई थी, बारिश की वजह से यहाँ का देखिए दृश्य कैसा सुंदर लग रहा है। और इसमें जो है कि अभी मक्का लगा हुआ है और आप ये देख सकते हैं मनीजरे कितने बड़े बड़े हो चुके हैं और काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू लग रहा है, यहाँ का आप देख सकते हैं नज़ारा। क्योंकि अभी हम सुबह में टहलने खेतों की तरफ आए हुए थे तो आप देख सकते हैं यहाँ खेतों का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी मस्त नज़ारा है गाइस। और आप देख सकते हैं इधर यहाँ पूरा देख सकते हैं पूरा खेत जो कि यहाँ हरियाली नज़र आ रहा है और दूर दूर तक आप देख सकते हैं सिर्फ हरियाली है। क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीना में जो है कि बादल काफ़ी घना छाए हुए हैं, अभी बारिश हर वक्त होती रहती है। तो शायद अभी भी आप देख सकते हैं मौसम जो है कि काफ़ी ख़राब है और यहाँ पे बारिश होते रहता है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर हरा नज़र आ रहा, हरे भरे खेत, काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है। तो चलिए हम आपको बैक कैमरे से यहाँ का जो है कि पूरा दीदार कराते हैं और दिखाते हैं यहाँ का मंजर अभी कैसा सुबह में लगता है। क्योंकि सुबह में हम टहलने के लिए डेली वॉक के लिए आते हैं इधर और यहाँ पे जो है कि आकर काफ़ी शांति महसूस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा काफ़ी कम होता है और आप देख सकते हैं यहाँ खेतों का नज़ारा कितना मस्त है गाइस। तो चलिए हम आपको बैक कैमरे से यहाँ का कुछ दीदार कराते हैं। जो नज़ारा कितना मस्त लग रहा है, कितना हरियाली है यहाँ पर अभी। और यहाँ पे खेतों में आप देख सकते हैं ये जो है कि आप देख सकते हैं हवा के झोंकों से कैसे यह पेड़ हिल रहा है। ये मनिजरा है और यह जो है कि जलावन के लिए यूज होता है। और इसके बीचों में हम जो है कि मक्के दिए हुए हैं तो मक्के का जो है कि दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यह जो गाछ है यह देखिए यह काफ़ी बड़ा बड़ा सा हो चुका है जिसके कारण मक्के को यह ढक लिया है। यानी कि इसके नीचे आप देख सकते हैं मक्के का पेड़ है और इसमें भी कीड़ा लग चुका है। यहाँ पे देखिए इसको खा खा कर इसमें पत्तियों में कितना छेद कर चुका है। तो फाइनली यहाँ पे बहुत सारे पेड़ ये जो कि मंजरे लगे हुए हैं, हम गांव में इसको बराबर यूज करते हैं जलावन पर्पज से, नहीं जलावन की कमी ना हो इसके लिए यहाँ पे खेतों में दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो है कि हम अभी खेतों में काफ़ी मात्रा में जो है कि जलावन दिए हैं क्योंकि मक्के का गाछ देखिए काफ़ी कम है, इसी कारण से यहाँ पे जगह स्पेस ज़्यादा था। तो ये मनिजरा जो है कि मनिजरा हम सब बोलते हैं यहाँ पे गांव में, इसी कारण से यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं यहाँ पे लहलाती फसल कितना सुंदर लग रहा है। तो व्यू यहाँ का काफ़ी मस्त है और आप देख सकते हैं आसपास में भी बहुत सारे फसल यहाँ पे लगे हुए हैं, मक्के और मनिजरा वगैरह अधिकतर लगे हुए हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और उधर जो है कि कुछ मक्के और वो जो आप देख सकते हैं बड़े बड़े से लग रहे हैं मक्के के जैसा, वह मक्का नहीं है, वे फिलहाल जो है कि वो चारा है जो कि गाय और गाय जो पालते हैं वह सब अधिकतर अपने खेतों में लगाते हैं। ये देखिए ये जो चारा है गाय का चारा है और हम इसको जो है कि काट काट कर इसको गाय को खिलाते हैं जो कि दूध काफ़ी देती है इसको खाने के बाद। तो खेतों में अधिकतर इसको लगाते हैं हम सब गाय के पर्पज से, गाय को देते हैं। और आप देख सकते हैं इधर से जो है कि हम अभी काट काट के लेके जा रहे हैं और यहाँ पे इसको इधर से काट के यहाँ पे देखिए लेके जाते हैं डेली गाय को यह दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही मंजर यहाँ का भी लग रहा है गाइस, काफ़ी सुंदर मंजर है खेतों का। और अभी सुबह के ही 6 बज चुके हैं और सुबह और ऊपर में आप देख सकते हैं बादल कैसा बादल है और हो सकता है बारिश हो जाए क्योंकि बादल की वजह से मौसम का हाल आप देख सकते हैं। ऊपर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जो कि आप देखिए काफ़ी घना घना कोहरा बादल छाए हुए हैं जो बारिश उधर से आ रहे हैं। तो गाइस कुछ ऐसा ही दृश्य आपको यहाँ पे गांव में खेतों में मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अभी खेत काफ़ी गीला है क्योंकि बारिश हुआ है, बारिश की वजह से जो है कि पैरों में बहुत सारे मिट्टी लग चुके हैं जो कि मेरा पैर काफ़ी भारी हो चुका है मिट्टी की वजह से और मिट्टी पैरों में काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। तो आपको हम दिखाते हैं देखिए पैरों में कैसे मिट्टी लग चुका है। और यहाँ पर जो बारिश हुई थी, बारिश डेली जो होती है जिसके कारण मिट्टी पूरा गीला हो चुका है और मिट्टी पैरों में काफ़ी सट चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स देखिए काफ़ी खेत गीला है और यहाँ पे चलने में देखिए पैरों में हम आपको देखें ये देखिए कितना मिट्टी
पैरों में, दोनों पैरों में आप देख सकते हैं काफ़ी मेरे पैरों में मिट्टी लग चुका है। और अभी हम जो है कि यहाँ से बाहर निकलेंगे तो और ज़्यादा मिट्टी लगेगा। ये देखिए, देखिए पैरों में मिट्टी है, यहाँ भी दोनों पैर में मिट्टी मेरा लग चुका है। और चप्पल जो है कि हमने बाहर ही वहाँ पे बाहर खोले हैं, क्योंकि चप्पल में भी काफ़ी मिट्टी लग जाता है, इसके कारण हम वहीं पे इसको खोल के आए हुए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। और ये देखिए छोटे छोटे से अभी मक्के हैं ये सब, और इसमें जो काफ़ी कीड़े वगैरह सब लग चुके हैं, तो कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे देखिए खेत पूरा साफ लग रहा है, काफ़ी सुंदर है, देखने में मस्त नज़ारा यहाँ का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि बारिश की वजह से जो है कि ये रास्ता जो है कि पूरा गीला हो चुका है। देखिए यहाँ पे कीचड़ पानी जमजमाव कितना हैवी, और बारिश जो है कि काफ़ी तेज हुई थी, जिसके कारण आप देख सकते हैं रास्ते में काफ़ी गड्ढा है और मिट्टी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और पैरों में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लग चुका है क्योंकि चलने में जो है कि कीचड़ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो कि रास्ता का क्या हाल है, अभी पानी कितना है रास्ते में, कीचड़ भी है, अगर स्लिप कर जाएंगे तो पूरा मिट्टी शरीर पर लग जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं ये तो मनिजरा है, रास्ता काफ़ी गीला गीला है जो कि संभल के जाना पड़ रहा है अभी, अन्यथा पैरों में काफ़ी कीचड़ लग जाएगा। तो फ्रेंड्स मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और बारिश जो है कि आने वाली है, जिसके कारण और ज़्यादा देर अगर हम रुकते हैं तो यहाँ भीग जाएंगे, काफ़ी ज़ोर से बारिश लगा उधर से आ रहा है। आप देख सकते हैं देखिए वहाँ पे मेघ है काफ़ी ज़्यादा, और इधर भी देखिए मेघ आ रहा है जो कि काफ़ी लगता है संभावना बारिश होगी, काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है कि हम अभी खेतों में हैं और बारिश जब तेज़ होगी तो हम भींग भी सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ से अभी निकलते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू है काफ़ी सुंदर है सुबह में, और जो है कि धूप नहीं निकला है क्योंकि मौसम तो ख़राब है, और धीरे धीरे यह जो है कि बादल देखिए काफ़ी काला आते जा रहा है और बारिश काफ़ी ज़ोर से लग रही आने वाली है। तो आई होप आपको आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, धन्यवाद।